नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट ने एक लेटेस्ट अपडेट्स आई है स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग। तो उसमें उन्होंने रिवाइज मेरिट लिस्ट निकाली है स्टाफ नर्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस रिवाइज लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रिवाइज लिस्ट आई हुई है। तो देख लेते हैं कौन से कैटेगरी के लिए रिवाइज लिस्ट आई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपकी SC कैटेगरी की रिवाइज लिस्ट आई है। ठीक है जी, क्योंकि कईयों ने उनमें गलत रिवाइज वो कर दी थी, कैटेगरी उन्होंने गलत फील कर दी थी। ठीक है, सब कैटेगरी को, इसलिए उनके फिर से रिवाइज लिस्ट आई है मेरिट के हिसाब से। तो इसमें देख लेते हैं आप, फर्स्ट देख लें SC 1 M&B के लिए। ठीक है जी, ये देख सकते हो एक कैटेगरी के रैंक दी हुई है। यहाँ पे कैंडिडेट के रोल नंबर दिए हैं, नेम दिया है, फीमेल जेंडर दिया हुआ है, फादर नेम दिया है, SC कैटेगरी 1 में 2 में। ठीक है जी, ऐसे और डेट ऑफ बर्थ दे रखी है और मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है जी, एक कैंडिडेट का देख लेते हैं। जैसे देखिए कैटेगरी रैंक दे रखी है इसमें 9, रोल नंबर दिया है इसमें 6000 और लास्ट में 33। ठीक है जी, ये तान्या कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं और फादर नेम दे रखा है विक्टर प्रदीप कुमार। ठीक है जी, और ये SC कैटेगरी 1 में है और डेट ऑफ बर्थ दे रखा है 28 जुलाई 1994। इसके मार्क्स आए हैं 54 नंबर। इसी तरह से आप देख सकते हो इस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो ये देख लीजिए, इसमें ये है 33। ठीक है जी, 33 तक इनमें रोल नंबर दिए गए हैं और लास्ट है 47 मार्क्स। नेक्स्ट दे लेते हैं, सो दोस्तों ये आगे भी है। ठीक है जी, ये आपके 50 कैंडिडेट्स है। ठीक है जी, लास्ट रहेगा 44 मार्क्स। और सेकंड आपका SC कैटेगरी में R&O के लिए, इसमें दे सकते हो 25 नंबर दे रखी है। ये कैंडिडेट का रोल नंबर, ये नाम है, ठीक है जी, ये जेंडर है, ये फादर नेम है, SC कैटेगरी 2 है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, कैंडिडेट का मार्क्स दे रखे हैं, ये 54 नंबर आए हुए हैं। तो इसी तरह से इस कैटेगरी के आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हो 65 तक दे रखे हैं सीरियल नंबर तक। ठीक है जी, लास्ट इनके 49 नंबर्स आए हैं। नेक्स्ट आप SC कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है जी, आप देख सकते हो टोटल 8 कैंडिडेट इसमें और नंबर फर्स्ट पे हैं 45 मार्क्स। ठीक है जी, इसी तरह देख सकते हो SC 2 में एक्स सर्विसमैन के टोटल 8 कैंडिडेट्स को इसमें DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, आप 43 नंबर दे रख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग में। अब है SC कैटेगरी 1 में स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए दे सकते हो 3 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है जी, नंबर दे सकते हो 38 नंबर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसमें, और इसमें देख सकते हैं कैंडिडेट का आया हुआ है 36। उन्होंने पास मेरे पास सुबह कमेंट भी आया था, ये है रजनी वाला। ठीक है जी, और जगदेव राज का SC कैटेगरी स्पोर्ट्समैन से। तो इनके 36 मार्क्स आए हैं, तो इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और आप देख सकते हैं SC 2 स्पोर्ट्समैन के लिए एक कैंडिडेट है, इसके 36 नंबर है। ठीक है जी, तो अब डेट देखते हैं इनको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, इनके रिवाइज लिस्ट आई हुई है मेरिट के हिसाब से। यह है आपकी पोस्ट फॉर स्टाफ नर्स के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।